हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का वेद संजीवनी क्लासेज में तहदिल से स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उसमें मैंने पहले कोई पैसे से मतलब पैसे सीट बुक कर ली पैसे दे देंगे। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है और ना आपको कोई पैसे देने हैं। ठीक, किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति से कोई मांगता है तो आप बिना प्रूफ के, इतने तो यार खुद भी समझदार हो कि बिना किसी प्रूफ के आप पैसे कैसे दे रहे हो। क्या इतने भी बेरोजगार नहीं हो कि कोई भी व्यक्ति आपको आके बोले कि मोबाइल यूनिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको DD बनवानी है, इतने पैसे दे। इतने पागल तो आप भी नहीं हो। जैसा कि अभी एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उनको पकड़ भी लिया, उनको धमकाया भी है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा है इसकी निष्पक्ष जांच होने के लिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार से बजट पास हुआ है तो उसके आधार पे आएगी। तो देखो मोबाइल वेटनरी यूनिट आएगी राजस्थान में, है ना। हो सकता है इस कंपनी को चेंज करके दूसरी कंपनी आ जाए या नाम चेंज कर दिया जाए। देखो फ्रॉड व्यक्ति, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके साथ एक फ्रॉड व्यक्ति भी आता है, तो उन सबसे बचने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये था कि पैसों से होगा सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं होगा। क्या है सच्चाई, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? देखो अभी तक तो इंटरव्यू की, देखो सिलेक्शन पैसों से नहीं होगा, इंटरव्यू होगा और उस पर इंटरव्यू के आधार पे होगा। क्या है सच्चाई, सच्चाई यही है कि बिल्कुल किसी भी आदमी आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांगता है तो आपको उसको पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, उसको बोलो कि प्रूफ क्या है, मैं आपको पैसे दूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम तो करना नहीं है। इंटरव्यू होगा, अब कब होगा, जब ये लेटर, देखो ये लेटर शायद ग्रुप में भी आपको देखने को मिलेगा होगा। ठीक है, तो ये लेटर जब इस लेटर का संशोधन हो जाएगा ना, तब जाके इस मतलब आपका जो संशोधन हो जाएगा तब जाके आपका इंटरव्यू होगा। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर राकेश चौधरी, अच्छा काउंसलिंग, राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट में कंपनियों द्वारा नियम विरुद्ध कार्य मनमानी की रोकने तो आप, बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने, ये कहा कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध उनकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 56,600 रुपये के लगभग होनी चाहिए, जो उनको शायद 40,000 के प्रति लगभग दे रहे हैं, तो ये गलत है उनके लिए। तो बिल्कुल उन्होंने निष्पक्ष जांच उठाई है। ठीक है, उसी के साथ अपन बात करें कि मनमानी रोकने की, तो देखो राजस्थान में पशु चिकित्सा क्षेत्र की सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मोबाइल यूनिट, किस किस की है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट का प्रारंभ किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, नियमानुसार उपयोग में लिए जाने वाली व्हीकल्स, उपयोग में ली जाने वाली मेडिसिन, सभी कर्मचारियों के निर्धारित वेतन या अन्य सभी खर्चों को भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, इस प्रोग्राम को चलाने की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर निजी कंपनियों को दी गई है, जिनकी मुख्य कंपनी राजस्थान में कैंप गुणे है। दोनों ही कंपनियों में मान्य तरीके से, दो कंपनियां थी, एक तो कैंप थी और दूसरी गुणेश थी। ठीक है, दोनों ही कंपनियों में मनमानी तरीके से चयन प्रक्रिया में नकदी राशि मांगी जा रही है। सिक्योरिटी मनी के नाम से किसी प्रूफ नहीं दिया जा रहा, ना ही वेतन स्पष्ट किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित पशु चिकित्सा के लिए 56,100 रुपये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ से इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी मनी ले लेगी। बिल्कुल सही बात कहा है डॉक्टर साहब ने। और इसी के साथ आपको मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश यानी MP UP में भी एक स्टूडेंट लगा था, उसने भी ये बता रहा था कि सर हमारे को 20,000 रुपये सैलरी बताकर हमारे को मात्र कितनी दे रही है, 15,000 रुपये। तो पर उनसे कोई सिक्योरिटी मनी के रूप में कोई नहीं एविडेंस मतलब नहीं लिया कि कोई DD बनवाओ, मेरे को पैसों दो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बिल्कुल उचित मांग होनी चाहिए, 18,000 से 20,000 रुपये बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सारा, इसमें घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, पारदर्शी रूप से नियम अनुसार कार्य रखने की सर्वस्व प्रोडक्ट कंपनियों को निर्देश किया जाए। बिल्कुल, जो नियम है उन्हीं के साथ काम होना चाहिए। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि पैसों से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू से होगा। इंटरव्यू किस प्रकार होगा, उस सारी चीज़ों के लिए अपन बिल्कुल, देखो वेटनरी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पड़ जाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, उनसे बात करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा जाएगा, 2-4 वीडियो, तो अपने मतलब वेटनरी में किस किस प्रकार के फील्ड से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार को कोई भी पैसा नहीं दिया जाए। जिस काम में लगे हुए हो, चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे कृषि प्रवेशक की तैयारी कर रहे हो, या फील्ड में लगे हो, उस काम में लगे रहो। ये काम है, ओनली फॉर्म भर दिया, जमा करवा दिया, जो निष्पक्ष जांच होगी उसके आधार पर कंपनी होगी। हो सकता है नाम चेंज कर दिया जाए कंपनी का, लेकिन आपको वेटनरी यूनिट की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आएगी भाई। ठीक है,
तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, पैसे किसी को नहीं देने हैं। और इसी के साथ साथ आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लें बहुत सारे विद्यार्थियों को 4 फरवरी को कृषि का एग्जाम है, तो बिल्कुल उसके साथ साथ एग्जाम देते रहो, ठीक है। उसके बाद आप पशु परिचर की तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल कंटिन्यू रखो भाई, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अपनी सारी दिनचर्या बिल्कुल आपको साथ के साथ कंटिन्यू बनाए रखनी है, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो विद्यार्थी पशु परिचर का कोर्स खरीदना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जो खरीदना चाहते हैं उसको मात्र ए और बी पार्ट कितने में, 999 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कितने में मिल रही है, 399 में, ठीक है। कहाँ मिल रही है, क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको, कहाँ, क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसमें जाके ये कोर्स खरीदना। टेस्ट सीरीज अभी शुरू नहीं हुई है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी की साथ साथ होगी ना, तो सभी को साथ साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके पास रही बात फोरम की, ऑनलाइन डेट फिक्स नहीं है, उसमें फोरम चल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो और ऑफलाइन वहाँ जिसमें एड्रेस हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से लिख के दे दो। बहुत सारे विद्यार्थी के सर इंटरव्यू शुरू हो गया, बिल्कुल इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है अभी, जिन डॉक्टर साहब ने जमा किए थे उनसे भी बात हो गई है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको तुरंत मिलती जाएगी, उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और अपने काम में लगातार नियमित बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।